हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल। अभी बच्चे लोग स्कूल से आ गए हैं और आज है मंडे, तो स्कूल से आने के बाद ही आज हम खाना में आए हैं। मतलब नाश्ता सुबह ही हो गया है और थोड़ा सा लेट हो गया है। लेट होने का वजह भी है क्योंकि मतलब थोड़ा सा हम लोग का जो काम है वो आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा। मतलब हम ब्लॉग थोड़ा सा शूट किए हैं उसका, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। नाश्ता रूखा सूखा हुआ, कुछ रोटी वगैरह बनाए नहीं थे और अभी हम बना रहे हैं। सब्जी और चावल दाल वगैरह सारी चीज़ बनाएंगे। और बच्चे लोग को स्नान वगैरह करके फ्रेश कर दिए हैं, वो लोग भी खेलेगा। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ एक शादी आया है। मतलब हमारे यहाँ तो शादी अभी बराबर है, लेकिन हम लोगों को शादी के लिए कहीं जाना है, लेकिन मेरा डिसाइड नहीं हो पा रहा है हम जाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लॉन्ग रास्ता है। मतलब पता नहीं हम कैसे जा पाएंगे, और बस या फिर गाड़ी से जाने में मेरा उल्टी बहुत होता है, इस वजह से हमको जाने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि ऐसे तो घर से निकलना कभी होता नहीं है और शादी है, तो इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। तो अभी कोई डिसाइड नहीं है बच्चे लोग को लेके जाना नहीं लेके जाना, ये थोड़ा हार्ड वर्क है बच्चे के साथ जाना। उतना लॉन्ग रास्ता है, गर्मी भी काफ़ी तेज़ है, धूपा इतना तेज़ है कि हम मतलब बोल तो रहे इतना तेज़ धूपा है, लू चलता है, तो हम लोग मतलब कैसे जा पाएंगे। मतलब सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, इस वजह से शायद कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल क्या मतलब, अभी सर डिसाइड ही नहीं हुआ है जाना है कि नहीं जाना है। और कहीं जाने के बाद काम कितना बढ़ जाता है, ये निकालो वो निकालो, ये सोच के तो हम आगे ही कैंसिल करते हैं। लेकिन फिर भी मतलब बोलते हैं कि नहीं चलो, जाने से यही होगा कि भेंट मुलाकात होगी सबसे, और घर में रहने के बाद तो फिर वो ना मुलाकात होगी और ना ही कोई पहचानेगा। कहीं आने जाने के बाद ना आपका मतलब थोड़ा सा जो भी है, मतलब किसी को नहीं जानते हैं, उससे बात वूत करने से थोड़ा सा आपको पता लग जाता है। और पता क्या लगता है, जैसे कि आप घुल मिल जाते हैं उन लोगों के साथ, और घर में रहने के बाद तो आप किसी से, और प्लस मतलब हम देखे ही नहीं थे, हम दुकान में बिल्कुल भी नहीं देखे थे। वही मतलब वही कलर लेकर आए हैं, अलग कलर, थोड़ा सा अलग कलर लेकर आए हैं। वो रानी कलर का था, ये ऑरेंज टाइप में थोड़ा सा है, और वही सब लेकर आए हैं। लेकिन वो जो कटा था ना, हम देखे नहीं थे, और ऐसे भी साड़ी खोल के नहीं ही देखे हैं। वही बोले कि पहले से ही रिटर्न किया हुआ था, बट वो नहीं थे जहाँ हम लेते हैं ना, उनका स्टाफ थे, तो रिटर्न भैया के यहाँ हुआ था और उनका स्टाफ थे, तो उनको भी नहीं पता था कि साड़ी में दाग है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो साड़ी भी लिए हैं, तो फिर अब मार्केट यहाँ से मतलब फिर भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर होता है, तो फिर आना जाना थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है मेरा। लेकिन हमको जाना था आज, क्योंकि हम आईब्रो बनाना भूल गए थे, तो सोचे आईब्रो भी बना लेंगे यही बहाना। आईब्रो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बढ़ गया है, हम औरतें का है ही यही सब, मतलब आईब्रो बनाना वगैरह वगैरह तो बढ़ गया था, तो इसलिए और भी जाना ही था। और ऐसे साड़ी भी चेंज हो गया, और शादी है हम लोग का 23 को, और देखते हैं अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है जाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी तो बना रहे हैं खाना, खाना बन जाएगा तो फिर हो जाएगा हम लोग का मतलब काम, छुट्टी हो जाएगा, और जो भी अपना स्टडी वगैरह है करने का रहेगा करेंगे। लेकिन हम ना ये बना के और फिर निकल जाएंगे हम मार्केट के लिए, खाना वगैरह खिलाकर, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद मतलब आराम करने के बाद, खाना खाने के बाद जस्ट आप बोलिएगा ना, या फिर पढ़ाई करें या फिर कुछ भी करें, कुछ भी बोल रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर में आलस टाइप का हो जाता है इस वजह से। और तो देखते हैं कितना देर हम कर पाते हैं, मतलब कितना देर में मेरा काम हो जाएगा और हम निकलेंगे। और मतलब हम जब पार्लर पहुँचे ना, आप लोगों को सही बताते, इतना ज़्यादा भीड़ था, अभी शादी का सीज़न है और इतना ज़्यादा भीड़ था। मतलब कोई फेशियल करवा रहा है, कोई मतलब ब्लीच करवा रहा है, कोई अपना मतलब बाल कटिंग करवा रहा है, मतलब A to Z जो भी बोले तो, मतलब कोई नेन अपना डिजाइन करा रहा है, पूरा मतलब भरा पड़ा हुआ है। और कोई तो आ रहा है, बोल रहा है अभी नहीं होगा क्या, हम आएंगे थोड़ा देर बाद, इस टाइप से बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मतलब क्या ही बोले, इतना भीड़ में भी गए ना, तो 1 घंटा का करीबन हमको बैठना पड़ा। लेकिन हम फिर जिद करने लगे, बुआ लोग को छोड़ कर आए, इसलिए वो काफ़ी जान पहचान की है पार्लर, मतलब पार्लर
जो भी है मतलब जान पहचान की है, और जब से हम शादी करके आए ना हम वहीं पे जाते हैं, उन्हीं का हम कस्टमर है मानिएगा तो, और हमेशा शादी फंक्शन विवाह में वही अटेंड करती है, मतलब ब्राइड को सजाने के लिए। जैसे कि मेरा शादी में नहीं आई थी, लेकिन मेरी छोटी वाली जो है मतलब हमसे छोटी वाली उसके शादी में आई थी। खैर कोई नहीं, वो तो होते रहता है, मतलब ब्यूटी पार्लर की है तो वो तो आना जाना होता ही, लेकिन हम लोग मतलब उन्हीं के यहाँ बनाते हैं, तो फिर वो बोली अच्छा ठीक है आ जाइए भाभी हम आपको जल्दी से बना देंगे, क्योंकि उसको भी पता है कि छोटा सा बाबू है तो परेशान करता है, और एक नहीं दो दो है, एक रोता है तो दोनों रोने लगता है, इस वजह से हमको जल्दी बना दी। फिर हम मार्केट गए, इसके बाद फिर हम क्या किए ना कि सब चीज़ हो गया और फिर सो गए रात को, जल्दी से रोटी बना दी और फिर बाबू लोग का होमवर्क ही सिर्फ फिनिश करवाए और बोले सो जाते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लगता ना तो पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता है। अब कल देखते हैं क्या होता है, जाना है कि नहीं जाना है, और कल ही डिसीजन जो होगा वो आप लोगों से शेयर तो ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे भिंडी जो देख रहे हैं वो दो तीन या चार रोज का हो गया है फ्रिज में पड़े पड़े, और अभी तो कुछ मतलब ख़राब भी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी ख़राब निकल चुका है, तो ये सब भिंडी को भी अभी हम ठीक ठाक कर रहे हैं, और मतलब वो नहीं हो जाता है ऊपर में ब्लैक टाइप का, तो बहुत तो बर्बाद हो गया। और आज जो लाए हैं ना वो भिंडी कुछ आधा केजी टाइप का लेकर आए, तो वो भिंडी और उस दिन का भिंडी जो जो अच्छा है उसको मिक्स करके बना देंगे, और इधर हम परवल का ये इस तरह से मसाले डाल के भुजिया मतलब दो भाग में करके उसको बना देंगे, पता नहीं क्या आप लोग बोलते हैं। तो ये सब बन जाएगा, दाल चावल और अभी दूध चढ़ा हुआ है, सब चीज़ एक साथ बन जाएगा तो फिर ईजी हो जाएगा। तो अभी जो बना रहे हैं ना तो शाम को हमको सब्जी बनाने का टेंशन नहीं रहता है, तो यही सब्जी थोड़ा सा उठा के हम शाम को रख देते हैं, और अभी थोड़ा सा में ही मैनेज कर लेते हैं तो हो जाता है हम लोग का, और मिठाई वगैरह रहता ही है तो उससे भी हो जाता है। तो अभी सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ का है कि हमको शादी में जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो पता नहीं, मतलब बहुत बड़ा सा काम है, वो सारे काम को करना पड़ेगा इस टाइप से, देखते हैं अभी। और बहुत दूर है यहाँ से गोड्डा, पता है कितना, मतलब 3 घंटे का रास्ता है, वो भी बाइक से, और रास्ता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पूरा मतलब वो रोड बन रहा है शायद, मेरी फ्रेंड लोग है रास्ते में फ़ोन किए तो फिर वो लोग बताई कि अभी ना मतलब रोड बन रहा है, इस वजह से ना बहुत ख़राब रास्ता है, तो नहीं हो आना लेकिन थोड़ा संभल के आना, थोड़ा जल्दी निकलना, क्योंकि बवा लोग स्कूल से आया, वो लोग को स्नान वगैरह करवाए, दूध पिला दिए, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खेल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही खेल रहा है। इसके बाद फिर अब हम ऊपर कपड़ा भी दिए हैं, तो फिर अभी जाएंगे मशीन से कपड़े निकालेंगे, सारे कपड़े को सुखाएंगे, मतलब उसको धो के, इतना तेज धुपा करता है ना, मतलब कपड़ा धोने को क्या देखने का भी मन नहीं करता है, मन तो करता है छोड़ दे उसी तरह, लेकिन कपड़ा ख़राब हो जाएगा यदि उसका सेवा नहीं मिला ना कपड़ा में, तो सच में ख़राब हो जाएगा। और जो मतलब कल का जो कपड़ा धोए थे, कल शाम को धोए थे, क्योंकि हम मेरा आंगन में बहुत तेज़ धुपा रहता है, वहाँ तो पैर भी रखने का जगह नहीं मिलता है, इतना धुपा कड़ा करता है, तो इस वजह से हम ऊपर ही कल शाम को ऊपर ही धो दिए थे। और ये नहीं कि अभी हम नहीं करते हैं तो बाद में करेंगे, मतलब दिन भर धूपा एक इसी तरह रहेगा, शाम को जब 6:30-5:30 के करीबन धूपा एकदम ख़त्म होगा, तो उस समय तो कपड़े धोने से रह जाता है। तो कल ना मतलब वही हो गया था कि भूल भी गए थे ऊपर जाना, और इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वही 5:00 के करीबन हम कपड़ा धोएं तो रह गया, तो आज धूपा दिए थे, तो धूपा देने की वजह से कपड़ा सूख के, और मतलब आधा कपड़ा तो ख़राब ही हो गया, कलर सच में बोलते हैं कलर एकदम आधा से ज़्यादा उठ गया, तो ये सब होते रहता है। धूपा रहे ना तो फिर भी ठीक है, हवा इतना तेज़ चलता है ना, पूरा घर गंदा ही गंदा हो जाता है, मतलब धूल से, झाड़ू देने के बाद तो कुछ कचरा वगैरह निकलेगा नहीं, सिर्फ धूला निकलता है। और हमारा घर इस तरह से है ना, पूरा मतलब एक तरह का दरवाज़ा है, और इधर से पूरा ही मतलब हवा फेंकने वाला है, पूरा रूम में धूल ही धूल हो जाता है, और
और गर्मी मतलब लू वाला हवा है ना, तो पूरा गर्मी ही लगता है आजकल मतलब कूलर में तो पानी भर के और फिर कूलर ऑन कर देते हैं तो कुछ राहत है। फिर भी जहाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ नहीं, तो पूरा घर गर्मी गर्मी हो जाता था। और जितना दूर तक कूलर का हवा जाता है ना, उतना दूर तक तो मज़ा ही मज़ा लगता है। इसके बाद तो फिर उठने का मन भी नहीं करता है। यही सब हो रहा है अभी, और कल देखते हैं क्या होता है। जाने का रहेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है हमको जाने का, उतना लंबा रास्ता और पता नहीं कैसे हम जा पाएंगे। वही सोच रहे हैं, यदि जीत होगा तो चल जाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर भी देखते हैं। तो आप लोगों को साड़ी दिखा देते हैं, मतलब ब्लॉग ख़त्म होगा, मतलब इसके बाद साड़ी आप लोगों को एक झलक तो ज़रूर दिखाएंगे। तो यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी नहीं गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नए ब्लॉग अच्छे से लेकर आएँ और वो गलती फिर से ना करें। तो आप लोगों को अच्छी लगा ही होगा, नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं। तो अभी आए तो सोना बाबू लाड लगाने के लिए, उसको समय समय पे प्यार का जरूरत होता है, जिसके बाद वो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाता है। यही सब हो रहा है। इसके बाद हम मसाला वगैरह फ्राई कर लिए और फिर चल जाएंगे हम ऊपर। ऊपर जाके हम कपड़े वगैरह सुखा लेंगे, मतलब सारा फिनिश करके, और फिर इधर मतलब किचन का काम छुट्टी और थोड़ा देर स्टडी वगैरह करेंगे, जो कि सूट नहीं किए हैं। सिर्फ हम ये बोला जाता है ना, मतलब मोबाइल से MCQ वगैरह, आजकल तो स्टेट का जो डेट निकला हुआ है तो सारे चैनल वाले स्टेट का स्टार्ट कर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब, तो वही सब अभी हम भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा नॉलेज हो। और यही सब मतलब थोड़ा बहुत देख लेते हैं और मतलब समझ में आए कि कैसा आता है और कैसा नहीं आता है। और जो गिफ्ट खरीद के लाए हैं ना, और ये साड़ी काफ़ी क्रिएटिव है, अंदर में भी वर्क है, डालते हैं फिर पैकिंग करवा देंगे। पैकिंग हमारे गांव में ही हो जाता है, उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। हम पहले साड़ी पसंद करवाने के लिए भी आए, देख सकते हैं साड़ी इनको ही पसंद आती है, काफ़ी अच्छा है साड़ी और हल्का भी है।